गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम 8th क्लास का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ रहे थे। उसमें हमने मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी थी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है? बिटन इनटू थिन शीट। जिस भी हम ऑब्जेक्ट को थिन शीट में पीट सकते हैं, उसको पीटने से या थोड़े से अगर थिन शीट बन जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। और उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? मैलिएबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल होते हैं सारे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डक्टिलिटी, डक्टाइल। जिस भी वस्तु के हम वायर बना सकते हैं, जिस भी चीज़ के वायर बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। मेटल के जनरली वायर होते हैं, आपने कॉपर के वायर देखे होंगे, एल्यूमिनियम के वायर देखे होंगे। और उसके बाद हम पढ़ रहे थे लास्ट प्रॉपर्टी, रिंगिंग साउंड। जब मेटल को हम ऊपर से गिराते हैं, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरते हुए देखा होगा, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराते हैं तो कैसी साउंड आती है? रिंगिंग साउंड आती है। हैव यू सीन वुडन बेल इन द टेम्पल? क्या आपने लकड़ी की बेल देखी है मंदिर में? कैन यू गिव ए रीजन? इसका कारण बता सकते हैं? द थिंग मेड अप ऑफ मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। ये वो वस्तु होती है जिसको हम पीटते हैं तो रिंगिंग साउंड आती है। सपोज यू हैव टू बॉक्स सिमिलर इन अपीरेंस। आपने दो डब्बे लिए, वो दिखने में एक जैसे हैं। वन इज मेड अप ऑफ वुड एंड अदर ऑफ मेटल। एक लकड़ी का डब्बा है, दूसरा मेटल का डब्बा है, धातु का डब्बा है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल्स स्ट्रिकिंग बोथ द बॉक्सेज? आप उनको पीटेंगे दोनों बॉक्स को और ये उसको बता सकते हैं कि कौन सा मेटल का है और कौन सा लकड़ी का है। अगर पीटने से रिंगिंग साउंड आती है तो वो मेटल का है, अगर रिंगिंग साउंड नहीं आएगी तो वो कहेंगे आप लकड़ी का डब्बा है। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस। मेटल जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इस प्रॉपर्टी को सोनोरस बोला जाता है। मैंने चार प्रॉपर्टी बताई मेटल की, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सोनोरस। आफ्टर परफॉर्मिंग दीज अबो एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल आर हार्ड, लस्टर्स, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी सब्सटेंस हार्ड होते हैं, लस्टर्स, चमकीले होते हैं, मैलिएबल, जिनके हम चादर बना सकते हैं, डक्टाइल, जिनके वायर बना सकते हैं, सोनोरस मीन्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनको क्या कहेंगे हम? मेटल कहेंगे। द मटेरियल विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल। ये जो भी प्रॉपर्टी शो करेंगे, हार्ड होंगे, लस्टर्स होंगे, मैलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, सोनोरस होंगे या गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, तो उन सब मटेरियल को हम क्या कहेंगे? मेटल हैं, धातु हैं। द एग्जाम्पल ऑफ द मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एलुमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ETC। आपने आयरन देखा होगा, एलुमिनियम देखे होंगे, कॉपर के वायर देखे होंगे, ये सारे किसके बने होते हैं? मेटल के। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लकड़ी के वायर आपने नहीं देखे होंगे, क्यों? लकड़ी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता।